बैक टू माई चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मैं यहाँ से रास्ते से गुजर रही थी और मुझे काफी अच्छी खुशबू आई, तो यार खुशबू आई तो रुकना तो बनता ही है, क्योंकि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि यहाँ पर क्या बन रहा है। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, ये भैया कुछ बहुत ही डिलीशियस और सिंपल और हेल्दी चीजें बना रहे हैं, और खुशबू यहाँ की ना बहुत ही अच्छी आ रही है। तो मैं यहाँ पर रुकी हूँ खाने के लिए, इनके पास ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, तो ये जब कस्टमर कम हो जाते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि भैया क्या क्या बना रहे हैं, और हम लोग जरूर टेस्ट करके ट्राई करेंगे कि कैसा है। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ भैया, हमारा एक बना दीजिए। आप मुझे बता दे रहे हैं क्या क्या डाल रहे हैं? ओके, ये चना डाल दिया, ये रेत है ना, काफी नमक है। ओके, मोटाना है। सिंगदाना, वटाना, चना। ओके, काफी हेल्दी बना रहे भैया। क्या प्राइसिंग है इसका? 15-20 का। 15 रुपए का, 20 रुपए का। ओके, कब से लगा रहे भैया आप यहाँ पर? ये तो हो गया 3-4 साल। ओके, और आपको काफी तकलीफ होती होगी ना ये मास्क पहन के फिर इतनी आंच के पास में? भैया आप देख सकते हो गाइस, काफी हार्ड वर्किंग है। करना पड़ेगा पेट के लिए, कुछ तो करना पड़ेगा। तो लॉकडाउन में जब बंद था तब आप मतलब कैसे? हाँ, लॉकडाउन बंद था तो मैंने वॉचमैन ही कर रहा था। अच्छा, वॉचमैन का काम कर रहे थे। अरे जिसको गाइस मेहनत करनी होती है ना, उसके पास काम के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ओके, ये आपने क्या डाला भैया? अभी ये मक्के पोहा, मक्के का पोहा। हाँ, ये पोहा है। ओके, और ये हमारा नॉर्मल वाला पोहा है, इससे पहले मक्के का पोहा डाला था। हाँ, काफी इंटरेस्टिंग है, मैंने ये पहले कभी नहीं खाया। ये कुरमुरा, ये कुरमुरा डाला। ये छान रहे हैं छन्नी में डाल के, मतलब जो भी नमक वाला जो था ना वो सब नमक नीचे गिर जाएगा, और जो हमारी जो मेन इंग्रेडिएंट्स है ना वो ऊपर रह जाएंगे। हाँ, काफी यूनिक आइडिया है वैसे। अच्छा, अभी और इसमें कुछ मिक्स करेंगे? हाँ, चटनी। अच्छा, चटनी भी है, वाव। ओके, ये गई हरी चटनी, इसमें क्या क्या भैया? मिर्च वाली है सिर्फ? नहीं नहीं, इसमें बहुत बहुत सामान है। अच्छा, बहुत सामान है। ये आपने बनाया हुआ? हाँ, हाँ, बनाया। देख रहे हैं भैया, बिल्कुल भी ना बहुत लेस प्लास्टिक वगैरह ऐसे कुछ नहीं, इन्होंने अपना पेपर का खुद बनाया हुआ मुझे लग रहा है। ओके, तो ये रैपर भी जो है ये पेपर का इन्होंने खुद बनाया हुआ, मतलब ऐसे कुछ भी है ना प्लास्टिक वास्टिक की थैली है ऐसे कुछ रखा नहीं है इन्होंने। काफी यूनिक आइडिया और काफी अच्छा है। थैंक यू सो मच भैया। ओके, और काफी अच्छा है, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ तो आई एम वेरी एक्साइटेड। स्पाइसी है और टेस्ट बहुत ही अच्छा, एकदम गरम है, बहुत मस्त लग रहा है मुझे तो, काफी अच्छा लगा, मतलब बहुत फर्स्ट टाइम खा रही हूँ लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे हम यूजुअली भेल वगैरह खाते हैं ना वैसे ही है, लेकिन एकदम गरम है और फ्रेश फ्रेश बना है और बहुत ही हेल्दी लग रहा है मुझे तो ये अच्छा काफ़ी। और लोकेशन आप देख सकते हो, मैं आपको बता दूँ, जैसे आप अग्रवाल से आते हो ना तो ये जो वेलनेस फॉरएवर का जो मेडिकल है 24/7 का, उसके जस्ट सामने ही नीचे रोड पर है इनका ठेला लगा हुआ। तो अगर आप कभी भी एवरशाइन से या वसई नाला सपरा विरार में रहते हो और कुछ ऐसा चटपटा खाना है आपको, तो आप ज़रूर ये भैया के पास में विजिट कर सकते हो। भैया आपका नाम क्या है? संजय।
संजय यादव भैया का नाम है, तो ज़रूर आप इनके पास में विजिट कीजिए। और ऐसे हार्ड वर्किंग जो है उनको हमें बिल्कुल भी सपोर्ट करना चाहिए, वोकल फॉर लोकल गाइज। एंड स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप नया क्या वीडियो देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू।